मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा थर्ड सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ और एक्सरसाइज 2.4। इसमें क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी और आंसर मैं आपको बोर्ड पे करवा दूंगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेल के समय एक टी शर्ट की दुकान ने पहले दिन 232 टी शर्ट तथा दूसरे दिन 102 टी शर्ट बेची, तो हमें क्या बताना है कि उन्होंने दोनों दिनों में कितनी टी शर्ट बेची और उनकी कितनी बिक्री हुई। तो हम पहले लिखेंगे पहले दिन बेची गई शर्ट की संख्या। तो हल करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहले दिन कितनी बेची उन्होंने, 232, और दूसरे दिन कितनी बेची, 102 बेची। अब क्या करना है कि उन्होंने दोनों दिन में कितनी शर्ट बेची है हमें वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। तो ये ऊपर है 2 और 2, कितने हुए 4, 3 का 3, 2 और 1 3, ये हुआ हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का। अब हम करेंगे दूसरा। एक पुस्तकालय में 307 गणित की पुस्तकें और 582 अंग्रेजी की पुस्तकें और 428 विज्ञान की पुस्तकें हैं, तो हमें पुस्तकालय में टोटल कितनी पुस्तकों की संख्या है हमें वो लिखनी है। तो हम दूसरा करेंगे। पहले हमें लिखनी है, किसकी लिखेंगे, मैथ की बुक कितनी है, गणित की पुस्तक 307। अब इंग्लिश की कितनी है, अंग्रेजी की पुस्तक है 582। अब हमें साइंस की देखनी है 428, विज्ञान 428। अब हमें इनका टोटल निकालना है कि टोटल पुस्तकें कितनी हैं। तो हम कितनी कर, अब हम इसका टोटल कर देंगे, 7 और 2 9, 9 और 8 17, हासिल 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, हासिल फिर से 1 यहाँ आ जाएगी, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, ये हुआ हमारा आंसर दूसरे क्वेश्चन का। अब हम करेंगे तीसरा, ठीक इसी तरह हम तीसरा करेंगे। चलो देखते हैं कि उसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है। एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 250 है और एक लंच बॉक्स का मूल्य 321 है, तो दोनों वस्तुओं का क्या मूल्य होगा। मतलब पेंसिल बॉक्स जो है वो कितने का है, 250 का है, और लंच बॉक्स 321 का है। तो हमें दोनों का टोटल निकालना है कि कितने का है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी जोड़ करेंगे। तो 1 का 1 आ जाएगा, 5 और 2 7, और 3 और 2 5, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में 5672 लड़कियां हैं और 8123 लड़के हैं, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की हमें टोटल संख्या बतानी है कितनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या लिख लेंगे। पहले हम करेंगे किसकी, लड़कियों की संख्या कितनी है, 5672 लड़कियां, 5672। अब लिखने हैं लड़के, कितने हैं लड़के, 8123, ठीक है। अब हमें क्या है, इनकी कुल संख्या ज्ञात करनी है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ कर देंगे। तो 2 और 3 5, 7 और 2 9, 6 और 1 7। अब हमें करना है आप 5 और 8 8 9 10 13, ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। अब हमें ठीक ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, नंबर 5 करेंगे हम। एक बगीचे में 2346 आम के वृक्ष हैं, कितने हैं आम के वृक्ष,
2,346 आम के वृक्ष हैं। संतरे के वृक्ष कितने हैं? 1,798 किसके हैं? संतरे के वृक्ष हैं 1,798 वृक्ष। ठीक है, बगीचे में वृक्षों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है कि हमें बगीचे में कुल कितने वृक्ष हैं हमें वो ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 और 8 हमें गिनने हैं। कितने होंगे? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ठीक है। हासिल 1। 9 और 4 कितने होंगे? 13 और 1 हासिल 14। हासिल 1। 7 और 3, 10 और 1, 11 हासिल 1। 2 और 1, 3 और 1, 4 ये हुआ हमारा आंसर। अब ठीक ऐसे ही हम करेंगे नंबर 6। एक बगीचे में 3,416 लाल गुलाब हैं। गुलाबों की संख्या कितनी है? 3,416। अब क्या करना है, सफ़ेद गुलाब की संख्या कितनी है? सॉरी, ये है लाल गुलाब। अब सफ़ेद गुलाब की संख्या कितनी है? सफ़ेद गुलाब की संख्या ठीक उसी के नीचे हम लिख लेंगे, जो सफ़ेद गुलाब की संख्या है वो हम ठीक उसी के नीचे लिख लेंगे, क्योंकि इसका भी शायद हमें जोड़ ही करना पड़े। अब पीले गुलाब की संख्या लिखनी है। पीले गुलाब कितने हैं? पीले गुलाब ठीक उसी के नीचे हम लिख देंगे पीले गुलाब की संख्या। अब हमें क्या उन्होंने पूछा है कि काले गुलाब, काले गुलाब कितने हैं? 786। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। अब हम इसका टोटल करेंगे, 6 और 9 कितने हुए? 15। 15 और 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हुए। 23 और 6 काउंट करो कितने होंगे? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हुए। 29 तो हासिल कितनी आएगी? 2। ठीक है, साइड में लाइन करके करके देख लेना। 8 और 1, 9। 9 और 2, 11। 11 और 8, 19। 19 और 2, 21। तो यहाँ आगे हासिल 2। 4 और 2, 6। 6 और 1, 7। 8 और 7, 14। 14 और 2, 15। और 16 यहाँ हासिल आ जाएगी 1। अब 3 और 1, 4 और 1 हुआ 5। तो ये आ गया हमारा आंसर, नंबर 5 का आंसर आ गया। ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज नोटबुक में भी नोट करनी है।